हाय गाइस, सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप लोगों को अपनी YouTube वीडियो के अंदर एक अच्छा सा सब्सक्राइब एनिमेशन ऐड करना है या फिर क्रिएट करना है बोल सकते हैं। सब्सक्राइब एनिमेशन मतलब जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो पॉपअप हो रहा है, ये सब्सक्राइब एनिमेशन होता है। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप एक चूज कर सकते हो जिसको आप हमेशा यूज करो अपने YouTube वीडियो के अंदर। जब भी आप एडिट करते हो उसको तो आपको ऐड करना है। उसके बाद ये चीज़, ये काफ़ी हद तक आपकी वीडियो को एक तरीके से प्रोफेशनल लुक देता है। मतलब जब आप बोल रहे हो अपनी ऑडियंस को कि सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, या फिर अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए बोल रहे हो, कुछ भी ऐसा बोल रहे हो, तो आप लोअर थर्ड में या फिर सेंटर में नीचे लगा सकते हो इसको, सब्सक्राइब एनिमेशन को। ये आपकी वीडियो को और एनहांस कर देता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप लोगों को अपने स्मार्टफोन की हेल्प से सब्सक्राइब एनिमेशन ऐड करना है अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये चीज़ करनी है, अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेटर करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख सकते हो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर चैनल पर नए हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर सब्सक्राइब के जो एनिमेशन होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट एनिमेशन आते हैं। आपको उनमें से एक यूज़ करना है जिसको आप हर वीडियो में यूज़ करो। हर वीडियो में अलग अलग यूज़ मत करना, एक चूज़ करो, वही यूज़ करो। ठीक है, मेरा भी एक है, वो आपको नजर आ रहा होगा, वही मैं यूज करता हूँ। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन में बहुत सारे सब्सक्राइब एनिमेशन ऐड कर रहा हूँ, आप इनमें से एक यूज कर लेना और सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लो, या तो सबको कर लो या फिर उस एक को कर सकते हो जो आपको पसंद आता है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आगे क्या करना है, अब हमें स्मार्टफोन के थ्रू करना है जो भी करना है। हमें स्मार्टफोन के अंदर हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत है। कौन सा एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है काइन मास्टर की तरफ से। काइन मास्टर के अंदर क्रोमा की का फीचर है, इसलिए हम काइन मास्टर यूज करने वाले इस वीडियो के लिए। अगर आपको किसी और एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर मिलता है उसको यूज कर सकते हो, काम सब एक करेंगे। ठीक है, काइन मास्टर की तरफ बढ़ते हैं, अपने स्मार्टफोन ओपन करते हैं। सबसे पहले जो आपको नीचे लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन, उनमें से डाउनलोड कर लेना, एक एनिमेशन कर लो भले। उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद, अब काइन मास्टर ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, नया प्रोजेक्ट। आपको उससे पहले क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करनी है, जो मैंने आपको नीचे छोड़ी, ग्रीन स्क्रीन नहीं, मेरा मतलब एनिमेशन जो ग्रीन स्क्रीन के साथ है। ठीक है, उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद काइन मास्टर ओपन करने के बाद एस्पेक्ट रेशियो 16:9 अगर यूट्यूब प्ले कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको उसी को ऐड करना है जो आपने डाउनलोड किया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऐड करना। काइन मास्टर में इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसका साइज अराउंड 7 सेकंड के आसपास है। अब अगर हम लोग इस एनिमेशन को प्ले करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन है। सब्सक्राइब पर क्लिक होगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक होगा। ठीक है, अब इसमें हमें दो चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़, हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, जो हमारे यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पिक्चर है, जो मेरे चैनल की प्रोफाइल पिक्चर है वो मैं ऐड करूँगा। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें अपने चैनल का नाम ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करते हैं, लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया, मीडिया के अंदर हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है, फेसबुक। अब यहाँ पर ये मेरे चैनल की प्रोफाइल पिक्चर है, हमें इसको क्रॉप करना है और एक सर्कल वाले साइज में लाना है। ठीक है, क्रॉपिंग के अंदर गए, मास्क शेप और सर्कल सेलेक्ट कर लिया। अभी पूरा सर्कल हुआ नहीं है तो इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसको हम टिक करते हैं और उठा के यहाँ पर लाते हैं, इसको स्मॉल किया और यहाँ पर रख दिया सेंटर में। जब आपको लगे सेट हो चुका है तब डन कर देना। अब हमने अपनी पहली चीज़ कर ली, प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर ली। हमने दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपने चैनल का नाम ऐड करना है। लेयर के अंदर गए, टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर अपने आपको अपने चैनल का नाम डालना है। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ब्लैक ब्लैक। इसके बाद इसको यहाँ पर लाते हैं फिलहाल के, और इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है वाला, ये हमारा फॉन्ट है। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रोबोटो ब्लैक बोल्ड में। ठीक है, इसको करने के बाद इसको थोड़ा यहीं पर लाते हैं, सेंटर में रखते हैं। साइज इंक्रीज करना हो तो आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें ऐड कर चुके, प्रोफाइल पिक्चर भी और हमारा टेक्स्ट भी ऐड कर चुका है। इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। अभी पूरा परफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें पहले हमारे एनिमेशन, हमारे प्रोफाइल पिक्चर और हमारे टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन ऐड करना है। सबसे पहले हमारे टेक्स्ट के अंदर करते हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इन एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ सिलेक्ट करना है स्लाइड अप वाला, इस पर क्लिक करके। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है इस पर क्लिक करके इन एनिमेशन सेम चीज़ करनी है, स्लाइड अप। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं। अच्छे से हमारा सब्सक्राइब एनिमेशन क्रिएट हो चुका है हमारे चैनल के लिए। अब आपको सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, एक और चीज़ बता दूं उन लोगों के लिए जिनको
आवाज नहीं चाहिए, जिनको ये साउंड नहीं चाहिए बेल नोटिफिकेशन की या फिर क्लिक करने की, इसकी साउंड नहीं चाहिए, सिंपल से इस पर क्लिक करो आपने और उसके बाद यहाँ पर साउंड के अंदर इसकी वॉल्यूम कम कर दो, ठीक है। अब अगर इसको वॉच करें हम लोग एंड का पॉइंट में, क्या हमको यहाँ पर आउट एनिमेशन भी ऐड करना है। हमने स्टार्टिंग में इन एनिमेशन तो ऐड कर दिया जहाँ पर ये स्लाइड अप हो रहा है हमारा प्रोफाइल पिक्चर एंड हमारा टेक्स्ट उसके साथ, अब हमें आउट एनिमेशन भी ऐड करना है। इस पर क्लिक किया और आउट एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर स्लाइड डाउन, ठीक है। स्पीड अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है तो आप वहाँ उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्पीड कर लेते हैं 1.5 है फिलहाल इसको, और वही चीज़ प्रोफाइल पिक्चर के साथ आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन इसको भी 1.5 कर देते हैं, चेक करते हैं सही तरीके से हो रहा है, सही से वर्क कर रहा है। अगर आपको लगे कि थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए हमें, इसकी स्पीड कम करनी चाहिए, तो वो चीज़ कर सकते हो। एक बार ये क्रिएट हो जाता है उसके बाद सिंपल से आपको क्या चीज़ करनी है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। अब आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रेम रेट सेलेक्ट करो अपना, रेजोल्यूशन सेलेक्ट करो, फुल HD HD किस पे करना है, मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, हाई करता हूँ क्वालिटी फुल और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसको कैसे आपको अपनी वीडियो के अंदर ऐड करना है ये जानते हैं आगे। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सोचो आपने एक वीडियो ऐड कर लिया, मैंने फिलहाल के लिए फोटो ऐड करी क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, तो आपने एक वीडियो ऐड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर के अंदर आना है, मीडिया के अंदर आना है, और अभी हमने जो एक्सपोर्ट की थी फाइल, एनिमेशन एक्सपोर्ट किया था पूरा सेटअप करके मस्त बना के अपने चैनल के लिए, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करके आपको क्या करना है, क्रोमा की नाम का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके आपको इसे इनेबल कर देना है, सिंपल चीज है, ठीक है। अब इसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 सेकंड्स के आसपास है पूरा एनिमेशन, तो इसकी 7 सेकंड्स के आसपास आपको लेंथ रख देनी है। अब अगर हम इसको प्ले करें यहाँ पर, तो कुछ ऐसा एनिमेशन है, ये हमारा एनिमेशन है पूरा सब्सक्राइब का। आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, इस पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे कर सकते हो ऐसा, और बाकी के जो मैंने एनिमेशन दिए हैं वो भी इसी तरीके से यूज़ करने हैं आपको। इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब बाकी के जो एनिमेशन उसको भी सेम तरीके से ऐड करना है, लेयर के अंदर, मीडिया के अंदर, और उस एनिमेशन को सेलेक्ट कर लो आप। इसके अंदर भी आपको क्रोमा की और इनेबल इसको थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आते हैं वीडियो के। अब अगर हम लोग इस वाले को प्ले करें, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट वाला करना चाहते हो उसको कर सकते हो, सेकंड वाला करना चाहते हो उसको कर सकते हो, या फिर और भी बहुत से ऑप्शन हैं, उनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। सेम तरीका अप्लाई होता है हमारे इंस्टाग्राम के लोअर थर्ड पे, उसको भी आप सेम तरीके से बना सकते हो काइनमास्टर के थ्रू, अगर आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू एडिटिंग करते हो। अगर आप लैपटॉप से करते हो, प्रीमियर प्रो इसकी से करते हो, मैं भी इसी से करता हूँ, तो आपके एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो ले आऊंगा बाद में कि कैसे आप अपने लैपटॉप के थ्रू ऐड कर सकते हो सब्सक्राइब एनिमेशन। फिलहाल हमने इसके थ्रू कवर कर लिया, एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन के थ्रू काइनमास्टर से कैसे करना है। तो वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।